हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग रील कैसे बनाएं। इसके लिए हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक है VPN और कैपकट। कैपकट को हमने गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेना है और VPN को हमने सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले हमने अपना इंटरनेट ऑन कर लेना है, उसके बाद हमने VPN को यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये हमने अपना VPN को यहाँ पे ओपन कर लिया है। किसी भी ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए हमें VPN को यूज़ करना ही है दोस्तों, क्योंकि कैपकट हमारे इंडिया में बैन है दोस्तों। और ये देखिए, हमारा VPN यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सिंपली हमने यहाँ पे बैक चले जाना है दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सारी गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली फ़ोटो बेच ले जाना है। इसको बनाने के लिए हमें 6 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने यहाँ पे सिंपली 6 फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पे 6 फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा ऐड की ऑप्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे सारी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। और ये देखिए, आपने यहाँ पे राइट सिलेक्ट करते चले जाना है। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा फॉर्मेट की ऑप्शन। उसके बाद हमने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा इसमें रील की ऑप्शन को बनाने के लिए हमने 9.6 को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने देखिए फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने अपनी सारी फ़ोटो को यहाँ पे जूम इन कर लेना है। मैंने देखिए यहाँ पे सारी फ़ोटो को यहाँ पे जूम इन कर लिया, और आप भी जल्दी से कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कैपकट का बैकग्राउंड का वाटरमार्क, हमने इसको डिलीट कर देना है। ये देखिए डिलीट की ऑप्शन आ रही है। ये हमने सॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद हमने फर्स्ट फ़ोटो पे क्लिक करके राइट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने फर्स्ट फ़ोटो को यहाँ पे 11 सेकंड तक सिलेक्ट कर लेना है, और हमने यहाँ पे सभी फ़ोटो को 0.9 सेकंड तक सिलेक्ट कर लेना है। और हमने यहाँ पे फर्स्ट फ़ोटो को इफेक्ट डालने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली एनिमेशन में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, इन आउट और कॉम्बो। हमने यहाँ पे सिंपली कॉम्बो में चले जाना है। उसके बाद आपने राइट सिलेक्ट करते चले जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बाई साइड 2। हमने यहाँ पे सिंपली बाई साइड 2 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए हमारा बाई साइड 2 का यहाँ पे इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे सभी फ़ोटो को इफेक्ट डालने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली एनिमेशन में चले जाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे चले जाना है कॉम्बो में। उसके बाद हमने राइट सिलेक्ट करते चले जाना है। हमने यहाँ पे पेंडुलम 1 को सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो पेंडुलम 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट पेंडुलम 1 ज़्यादा ट्रेंड में है। हमने यहाँ पे सभी फ़ोटो पे यहाँ पे पेंडुलम 1 सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, अगर आपको वीडियो को ना समझ में आया तो आप दोबारा से देख लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ट्रेंडिंग है। हमने यहाँ पे सभी फ़ोटो को पेंडुलम 1 सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये देखिए, आपने एक और यहाँ पर इफेक्ट देखा होगा, स्पार्कल की ऑप्शन आती है, उसको हमने कैसे इफेक्ट को ऐड करना है। हमने यहाँ पर सिंपली इफेक्ट में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, यहाँ वीडियो इफेक्ट, हमने सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। आपने यहाँ पे सिंपली राइट सिलेक्ट करते चले जाना है, और आपने यहाँ पे देखना है स्पार्क की ऑप्शन देना आपको देखने को, और हमने यहाँ पे मिट्योर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको कर लेना है कॉपी, और यहाँ पे हमने पेस्ट करते चले जाना है सभी फ़ोटो के नीचे। और ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे स्पार्कल का इफेक्ट लग चुका है। हमने यहाँ पे भी इसको ऐड कर दिया। और ये देखिए, हम मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ स्पार्क का। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट फोटो पे इफेक्ट डालने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली वीडियो इफेक्ट में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी है। आपने सिंपली यहाँ पे ट्रेंडिंग में चले जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे ब्लैक फ्लैश, हमने यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने जहाँ तक हमारी फ़ोटो है 11 सेकंड तक, हमने सिंपली यहाँ पे राइट सिलेक्ट करते हुए हमने 11 सेकंड तक यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो ये गाइस, हमारा ये फर्स्ट फ़ोटो में इफेक्ट लग चुका है। अगर आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, आपने सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। और ये यहाँ पे एक्सपोर्टिंग होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
अगर आपको कोई भी ऐसी ट्रेंडिंग रील मिलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए ट्रेंडिंग रील बनाऊँ। सो गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे दी एंड, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सी या टेक केयर।